दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता तो नहीं है, हम बता देते हैं, हमारा मेरठ कुछ काम से, तो हमने सोचा यहाँ का कुछ मशहूर आपको दिखाया जाए। और जैसा कि आपको पता है, गलियों में आवाज आती है ना, मेरठ की मशहूर नान घटाई। तो भैया देरी ना करते हुए दिखाते हैं मेरठ की मशहूर नान घटाई। दोस्तों, इसका एड्रेस अगर हम आपको समझा दें तो ये देखिए, ये है घंटाघर, और घंटाघर के बिल्कुल पड़ोस में आपको मिल जाएगी मेरठ की मशहूर नान घटाई। हाँ तो दोस्तों, अब अभी हमने आपको दुकान दिखा दी है, एड्रेस भी दिखा दिया है, तो अब क्या बताने वाले हैं? तो भैया, आप मन ललचा रहा है, जल्दी से चलते हैं और लेते हैं ना खटाई, खा के देखते हैं, पैक भी करवाएंगे, दूसरी चीज रेट्स वगैरह वैरायटी सब दिखाएंगे। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, देखते रहिए। हाँ तो गाइस, अभी हमने आपको दिखा दी शॉप, एड्रेस बता दिया है और नान खटाई भी करीब से दिखा दी है। तो भैया ले भी ली है, तो खाते हैं और बताते हैं आपको। अच्छा, ये दो टाइप की है, एक मक्खन वाली है, एक सादी है। हाँ तो अब क्या करा जाए? हाँ तो भाई, बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा सा खाया जाए, टेस्ट करा जाए और देखा जाए कि ओरिजिनल और वो जो वहाँ डुप्लीकेट मिलती है उसमें क्या फ़र्क है। तो चलो शुरू करते हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम भी तो टेस्ट करें तो पता चले बढ़िया आया नहीं है। ओरिजिनल ही है, आप भी आइए, खाइए, मौज करिए। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम आए हैं मेरठ, और मेरठ में आए हैं मशहूर नान घटाई खाने। तो फिलहाल हम आए घंटाघर वाली मार्केट के पास, और चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से और जानते हैं यहाँ के बारे में। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान। अच्छा, तो सुल्तान भैया, हमें ये बताएं कि ये जो नान घटाई फेमस है, क्या वजह है, इतनी फेमस क्यों है? ये असल में ऐसा है, यहाँ की ये फेमस है, एक तो 150 साल पुराना काम है, करीबन इस दुकान को 150 साल हो गए हैं, ये सबसे पुराना काम है। और ये यहाँ जो है, यहाँ सारा सामान ओरिजिनल मिलता है। बटर में है 360, और ये देसी घी की है 460 रुपये, नारियल का है 260 रुपये, इलायची का है 200। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है और रेट्स भी ठीक हैं, हमने अभी टेस्ट करी, काफ़ी अच्छी लगी। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ ज़रूर आए और ये टेस्ट करें आप। नान घटाई खा तो लिया, प्रोसेस तो बता दो कि कैसे बनती है। तो भाई प्रोसेस अब हमें तो पता है नहीं, और बनती है सुबह, तो क्या करा जाए फिर? ऐसा करते हैं, देख नहीं सकते हैं तो बता तो दो कैसे बनती है। तो चलिए सुल्तान भाई से लेते हैं जानकारी कैसे बनती है ये। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैसे बनती है ये मेरठ की मशहूर नान घटाई। तो बताइए। भाईजान, इसमें डालडा होता है जी, शक्कर होती है जी, रावा होता है जी, उसमें मैदा होती है। अच्छा जी, तो उसको फिर क्या करा जाता है? उसे सब सामान को डालकर एक कढ़ाई में उसे मिक्स करा जाता है जी। मिक्स करके इसको रगड़ना पड़ता है। अच्छा जी, रगड़ने के बाद इसके फिर पेड़ बनते हैं। उसके बाद मगज लगा कर इसको एक प्लेट में लगाया जाता है, उनमें इसकी सिकाई होती है। नान घटाई हम लोगों ने खा ली है, और क्या क्या करा भाई? अरे पैक भी करवा ली है, तो काफ़ी अच्छी थी, टेस्ट अच्छा लगा, इन्हें सोचा घर वालों को भी खिलाई जाए। तो आप भी आइए, पैक कराइए और सुल्तान भाई से मिलिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरठ में हमें बहुत प्यार मिला है, जैसे कि हमने सुना था वैसा नहीं है, मेरठ बहुत अच्छा है और आप आके जो है यहाँ इन्जॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज़, रेट वगैरह हमने आपको सारे बता दिए हैं, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ घंटाघर पर आइए, सुल्तान भाई से मिलिए और इनकी नान खटाई ज़रूर खाइए। और फिलहाल छोटी सी वीडियो को यहीं रोकते हैं और वीडियो ना एंड करके चलते हैं कहीं और फेमस खाने। बिल्कुल, ऐसा करते हैं मैकलगंज चलते हैं, और मैकलगंज के क्या फेमस है सबको बताइए। तो भाई मैकलगंज के गुलाब जामुन खा लो, एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, जिसने ना देखा हो यहाँ क्लिक करो और देखो जाकर। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।